वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जो आपका क्लर्क का एग्जाम होने वाला है 21, 22 और 23 तारीख को। उसके बारे में कुछ नई खबर निकल के आ रही है। आप सभी लोगों को पता है सारों ने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ये एक मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें HSSC की तरफ से कुछ नया रूल लागू किया गया है, उसमें आपकी क्या टर्म एंड कंडीशनें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ ऑफिशियल जो HSSC की तरफ से अनाउंस किया गया, उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से अनाउंस किया है ताकि सारे कैंडिडेट्स की तरफ ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके, ताकि आप जब भी एग्जाम सेंटर पर जाएं आपको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, आप कोई बिना असुविधा का सामना किए हुए एग्जाम सेंटर में जा पाओ। तो सबसे पहले चलिए मैं न्यूज़पेपर की आपको वो कटिंग दिखा देता हूँ और उसमें सारे रूल वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि HSSC ने अपने क्लर्क के एग्जाम के लिए और बाकी होने वाले एग्जाम्स के लिए क्या नया रूल बनाया है। तो सबसे पहले चलते हैं, आइए उस न्यूज़पेपर की कटिंग पर। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है क्लर्क भर्ती जो पहली बार चेहरे से होगी अभ्यर्थियों की पहचान। जी हाँ, इसमें एक नया रूल बना दिया गया। अब आपके चेहरे को स्कैन करके आपकी पहचान को यहाँ पे देखा जाएगा, जिसमें आपके 17 जिलों में आपके 1059 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 15.7 लाख कैंडिडेट्स है जो परीक्षाएं देंगे। उसके लिए आपको पता है 21, 22 और 23 सितंबर को आपकी परीक्षाएं होनी है। इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपके कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम के लिए आपको एक घंटा पहले आपने रिपोर्ट करना होगा। उसके लिए भी यहाँ पे कुछ वो रखे गए हैं क्राइटेरिया, क्यों रखे गए हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इसके अंदर आपको दो अपनी कलर्ड फोटोग्राफ यहाँ पे लेके जाने हैं। फोटोग्राफ से मेरा मतलब है यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ दो कलर फोटोग्राफ्स आपको साथ में लेके जाने हैं। इसमें साफ तौर पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी है, यहाँ पर आपको साथ में लेके जानी है। HSSC की तरफ से दे दिया गया है। अब जो है हरियाणा की जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी जो चयन आयोग की जो सचिव है ईशा कंबोजी, उन्होंने बताया कि अब आपके चेहरे से पहचान की जाएगी, उसके साथ साथ आपको वहाँ पे दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जानी होगी। उसके बाद में अलग बात की जाए तो आपका एडमिट कार्ड का QR कोड भी स्कैन होगा। पहले के जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे कुछ लोगों के QR कोड नहीं आ रहे थे, लेकिन आपका QR कोड आपने प्रिंट करवाते टाइम उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि QR कोड आपका प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। तो अभी आपको यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें बता दी। आपको वहाँ पर मिनिमम 1 आवर पहले पहुँचना होगा, ताकि आपकी उस टाइम तक बायोमेट्रिक चेक की जा सके, QR कोड वगैरह स्कैन हो सके, और उसके साथ ही आपकी जो फेस जो डिटेक्ट करना है, फेस के थ्रू जो आपकी वहाँ पर चेकिंग होनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहचान होनी है, वो सारी यहाँ पे हो सके। तो एक घंटे पहले आपको पहुँचना है, उसके बाद में आपको दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लेके जाने हैं। उसके बाद में सभी कैंडिडेट्स को बता दूँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपने एडमिट कार्ड को अटेस्टेड करवा के लेके जाएं। अटेस्टेड से मतलब है जैसे आपकी यहाँ पे फोटोग्राफ्स होती है, तो उसके साइड में जो आपको दूसरा फ़ोटो पेस्ट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करके उसके ऊपर उसको अटेस्टेड करवा के ले जाना है। अटेस्टेड आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से भी करवा सकते हैं, कोई भी डॉक्टर होता है तो आप डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, MBBS डॉक्टर होता है तो उनसे करवा सकते हैं, और जितने भी बड़े गेस्टेड ऑफिसर होते, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से आप करवा सकते हैं, गेस्टेड होना चाहिए ऑफिसर, उनसे आप ये अटेस्टेड करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। आपको पता है आपके सारे के सारे एग्ज़ाम आपको जिस जिस डेट को होने हैं, 21, 22 और 23 की आप यहाँ पर डेट देख सकते हो। 21, 22 और 23 के आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 21 तारीख की आपका जो एग्ज़ाम है 22 और 23 का, आप यहाँ पे टाइम टेबल देख सकते हो, आपको मिनिमम 1 आवर यहाँ पे पहले रिपोर्ट करना है। तो इन चीज़ों का आप खास तौर पे ध्यान रखें जो कि HSSC की तरफ अभी बताई गई है। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स याद से साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ, कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमें पेंसिल अपनी तरफ से लेके जाने हैं, तो मैं उनको बता दूँ आप पेन या पेंसिल नहीं लेके जाएंगे, वो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप पेन लेके जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही वो रखवा दिए जाएंगे, आपको परमिशन नहीं होती है कि आप उनको एग्जाम सेंटर के अंदर लेके जा सकते हो। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।